बनाएंगे बिरयानी के लिए रायता। तो इसके लिए देखिए हम लोग को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने इसमें ली है चॉप्ड गाजर, चॉप्ड हरी मिर्च, एक हरी मिर्च चॉप करके लिए, हरा धनिया चॉप किया हुआ, टोमेटो चॉप किया हुआ और अनियन चॉप किया हुआ। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं कि किस हिसाब से आपको रायता बनाना है। इसके अलावा कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी लिए हैं, कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, वो आपको दिखाती हूँ। ड्राई मसालों में मैंने लिए थोड़ी सी हींग, 1 से 2 चुटकी करी, थोड़ा सा व्हाइट नमक, और थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें भुना पिसा जीरा, और थोड़ा सा मैंने लिया है काला नमक। तो ये थे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा कर्ड, ये लिया मैंने कर्ड यानी कि दही। अब दही मैंने इसमें करीब 200-250 ग्राम लिया है। इसको जो है अच्छी तरीके से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, खूब अच्छे तरीके से फेटेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। तो ये हमारा दही देखिए फिट गया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो है हम अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे ये डाल देंगे। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें गाजर डाल दी है, प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी। और हरी मिर्च आपके ऊपर है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें, खाना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप करके थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डाल रही हूँ ये काला नमक, भुना पिसा जीरा, वाइट नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी चुटकी भर हींग। अब इन सबको क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। बिरयानी के साथ जो रायता बनता है उसमें यही सब चीज़ें डलती हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इसमें खीरे को भी चॉप करके पतला पतला डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो ये रायता है थोड़ा सा थिक लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और पतला करने के लिए थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब पानी डालेंगे ताकि हम लोग इसको बिरयानी के साथ अच्छे से कंज्यूम कर सकें। तो जितना भी पतला आपको रखना है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ, तो लगभग 1 छोटी कटोरी पानी इसमें मेरा डल गया है। और अब जो है मुझे ये बिरयानी के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिरयानी रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको बनाइएगा और एंजॉय करिएगा। और कैसी लगी रेसिपी मेरी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जो लोग मेरे वीडियोज़ पे जो हैं अभी नए लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय।